परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। संतान हुई, लड़का हुआ, लड़की हुई, विशेषकर हम लड़के को महत्व देते थे। लड़का हुआ, शुक्र मनाया भगवान श्री कृष्ण का, भगवान ने मुझे लड़का दे दिया। यानी इन सुखों को हम उन पूजाओं से हुए मानते थे जो हम करते थे शास्त्र विरुद्ध थी। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनसे न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनके कोई गति होती है। यूजलेस, कति व्यर्थ। हम वो व्यर्थ पूजाएं करते थे और मानते थे कि हमारे घर में जो सुख हो रहा है इन पूजाओं से हो रहा। नहीं, वो तो हमारे पूर्व का प्रारब्ध था, पिछले जन्मों का जो हो रहा था वही हमें मिल रहा था। अब पता चला कि ये भगवान वो सुख दे ही नहीं सकते। पुण्यात्मा, शिवपुराण में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12,000 वर्ष तक तप किया। तब भगवान शंकर ने खुश होकर के, वो शंकर कौन, शिव कौन है, ये काल है जो भगवान, जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के रूप में प्रकट हो जाता है, उसको वरदान दिया। तब उनको एक संतान की उत्पत्ति हुई। अगर श्री कृष्ण जी तप करके बालक मांगे संतान प्राप्त करता तो हमारे किस के लोरे देगा वो। तो पुण्यात्माओं, हम भूल में थे, हमें कति ज्ञान नहीं था। हम उन भगवानों की पूजा करते थे जो किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपके प्रारब्ध में नहीं कर सकते। लेकिन हम उनके ऊपर पूर्ण परमात्मा के गुणों को डाले बैठे थे कि ये वही सुख देगा जो पूर्ण परमात्मा देता है। अब ये गुण हैं परमात्मा में, अंधे ने आंख दे, कोढ़ी ने काया दे, रोगी ने स्वस्थ कर दे, निर्धन को धन दे दे, रंक को राजा बना देता है। लेकिन वो परमात्मा कौन है, कैसा है, वो गुण कैसे प्राप्त होंगे, वो तरीका प्रॉपर विधिवत शास्त्र अनुकूल अपनाना पड़ेगा। अब जैसे बिजली के गुणों में लिखा है और आपने फिटिंग भी करवा ली किसी तरह और कनेक्शन भी ले लिया कहीं से, लेकिन वो कनेक्शन देने वाले ने आपके साथ धोखा कर रखा है कि तय कीकर के बबूल के पेड़ के बांध रखा उसने तार, और कहता है कि कभी अब बिजली गई हुई है, आप आएगी जब आ जाएगी। अब वो कीक करके लठ का तार बांध रहा पाछे, उसने पावर हाउस बना रहा है और वहां से आप सबको कनेक्शन दिए जा रहा है, और आप कहते हो कि बिजली जो पंखा हमारा तो नहीं चलता है। अब कोई ये कहे कि परमात्मा रोगी को स्वस्थ कर देता है, और उस अज्ञान छुरी वाले कहते हैं ये भी कभी हो सकता है,
रोग तो दवाई से ही ठीक होता है, भगवान थोड़े ही करता। उन्होंने अपनी अज्ञान छुरी बना ली कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, ये दास बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु था, और कोई भी परमात्मा के विषय में जैसी भी सोच हमें बताता था बहुत गदगद हो जाते थे, क्योंकि परमात्मा के नाम से ही खुशी हुआ करती थी। कथा थोड़ी याद रहती थी, भगवान का जो महिमा वैसे कुदरती जो पिछले संस्कार थे उनसे वैसे गदगद आत्मा होकर आंखों में आंसू आने लग जाती थी, इतनी श्रद्धा थी भगवान में। लेकिन हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण कोई भी हमें जैसी भी कोई कथा सुना देता था हम उसी के ऊपर गदगद हो जाते थे और सत्य मान लेते थे। अब इस दास के ये अनुयायी बच्चे, इनके ऊपर भयंकर दुख आते थे, भयंकर रोगों से पीड़ित थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से भी वो जवाब प्राप्त करके घर पे तड़फ रहे थे। वो यहां आकर के परमेश्वर कबीर जी की कृपा से स्वस्थ हो गए, और वो फिर जगह जगह जाकर के अपने मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, अपनी सहेलियों से, वो बहन बेटियां भाई अपने रिश्तेदारों से जाकर कहते कि हम वहां जाने से ऐसे स्वस्थ हो गए, हमारा ऐसा बच्चा मृत्यु सैया पर था। और उपदेश लेने से इस दास का नाम लेकर कहते हैं कि रामपाल महाराज का नाम लेने से, नाम तो कबीर परमेश्वर का है लेकिन ये प्रदान करने वाला ये दास है उसकी उन्हीं की आज्ञा से, ऐसा सुख हो गया हमारे, ऐसे सुख हो गए। तो वो जो व्यक्ति परमात्मा जिन्होंने उस नकली पावर हाउस का कनेक्शन ले रखा है, नकली गुरुओं से उपदेश ले रखा है, वो कहते हैं हमारा तो ना होता, तुम झूठ बोलते फिरो, नरी झूठ बोलो तुम, अरे तेरा गजब हुई हो, इब तुम्हारा कनेक्शन ठीक नहीं है, आपका पंखा नहीं चलता, हम कह रहे हमारा चलन में आगे आके देख ले, तो कम से कम नो तो देख लो इनका सचमुच चल रहा है तो कोई गड़बड़ है तुम्हारे यहां। यानी आप उसी उस दुख से उतने ही दुख से दुखी हो, और उसका दूसरे का जो यहां परमात्मा के चरणों में आ गया कबीर परमेश्वर के में, वो सुखी हो गए। तो इसे सिद्ध है कि जिस पावर से, जहां से तुमने कनेक्शन ले रखा है, वह पावर कौन है उसमें, उसमें बिजली है नहीं, बिजली आ गई तो पंखा चल ऐसा लगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका पंखा डिफेक्टिव हो सकता है। पुण्यात्माओं, जैसे यहां आप आते हो, उपदेश ले लिया और सच्चे तन मन धन से, सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हो, भक्ति कीजिए, आपको सर्व सुख प्राप्त होंगे। लेकिन हम ऐसे समाज से आते हैं, आप यहां से जाते हो, उपदेश ले गए, आपको नियम मर्यादा बता दी गई, आप यहां तो स्वीकार कर लेते हो, लेकिन जब समाज में प्रवेश करते हो, कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, पड़ोस में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था होती है, तो वहां आपके वो नियम खंडित हो जाते हैं। आप लोकलाज में आकर, किसी की दाब में आकर दबाव मान करके अपनी मर्यादा को और तपाक से भंग कर देते हो, ये सोचते हो कि फर्क पड़े है। अरे भले पुरुषो, हम कोई पागल नहीं जो आपको बताते हैं अगर भगवान से लाभ लेना है ये नियम मत तोड़ना, ये तो लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना। जैसे भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण और सीता जी भी साथ गए थे, वहां एक कुटिया डाली पंचवटी पर, सीता ने वहां एक बगीचा बो दिया, बगीचा लगाया, उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, और रावण का मामा मारीच एक मृग बनकर, स्वर्ण का मृग, सोने का मृग बनकर उस बगीची में घूमने लगा। सीता जी की दृष्टि पड़ गई, सीता जी ने अपने पति रामचंद्र जी से कहा कि ये मृग मुझे ला कर दो, जीवित या मृत, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अब वो माया रूपी यानी सिद्धि से बना हुआ मृग था, रामचंद्र जी अपना
तीर लेकर के जब चलने लगा, वो मृग काफी दूर भाग गया। तो भगवान रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, हो सकता मुझे दूर जंगल में जाना पड़ जावे, पर तू सीता जी को अकेली छोड़ के मत आना, और किसी कारणवश आना भी पड़े तो आप इसके चारों तरफ ये मंत्र बोल करके एक रेखा, एक लाइन खींच देना झोपड़ी के चारों तरफ। ऐसा ही किया गया। लक्ष्मण को भी जाना पड़ा, सीता ने कटु वचन बोल दिए थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि माता मैं जा रहा हूं, लेकिन ये रेखा खींच के जाता हूं, इससे बाहर मत जाना। उधर से रावण एक साधु का वेश बना करके आटा मांगने के लिए आया और कहा कि माई भिक्षा डालो। सीता जी ने कहा कि आ जाओ महाराज, ले जाओ भिक्षा। अब जो ही रावण साधु के वेश में और नकली साधु बना हुआ था, उस रेखा के निकट आया, उसमें से अग्नि की लपट निकली। 10 कदम पीछे रावण जाकर के खड़ा हो गया और कहा माई भिक्षा देनी है तो इसे बाहर आकर दे दे, तू साधुओं के साथ मजाक करते हो, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अब सीता जी ने सोची कि क्या फर्क पड़ा है, साधु ही तो है, आटा देकर भी आ जाऊंगी। यह सोच सीता की थी, लेकिन उन महापुरुषों की रेखा का उल्लंघन कर दिया, उनके वचन की आज्ञा का पालन ना करने से सीता की के बिरान माटी हुई। उसने जरा सी लागी थी के फर्क पड़ा है, थोड़ी सी आगे जाकर अब देख आटा आ जाती हूं। जो ही आटा लेकर रेखा पार किया, उसी समय रावण ने उठा ली और वहां लंका में पटक दी जाके। क्या मेरा कितना नाश करवाया, आप दुखी हुई और करोड़ों आदमी वहां सैनिक मरवा दी मर गए। जब सीता जी को वहां से राहत मिली, एक जरा सी गलती में और कितनी मुसीबत मोल ले ली पुण्यात्माओं, ये समझ लेना। ये जो नियम है कबीर परमेश्वर ने बताए, वो कोई बालक नहीं थे। इन मर्यादा का पालन करते हुए, इसमें रहते हुए नियमों में आप भक्ति कीजिए और फिर देखना काल आपके ऊपर कैसे निकट आ सकता है। जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक ये जीवात्मा हमारी मर्यादा में रहेगा, आन माने मर्यादा, और कहते हैं काल तेरा दाव नहीं लग सकता उस प्राणी के ऊपर। तो इसलिए आप जो मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे, आपको पग पग पर सुख देगा भगवान। आप जो मर्यादा भंग कर देते हैं, वो दूसरा कहता है हमारे तो कोई लाभ हुआ नहीं, आप कहते हो हमारे तो ऐसे लाभ हो गया, ऐसे लाभ हो गया, ऐसा फल मिला। दूसरा कहता मुझे तो कोई लाभ हुआ नहीं। पुण्यात्माओं, अगर इस दास से उपदेश लेकर के और फिर भी दूसरे को लाभ नहीं हो रहा है और अन्य को हो रहा है, तो ये समझना कि जैसे पावर हाउस यानी मेन लाइन तो वही है, जिस डोरी से कनेक्शन लेकर के एक घर के तो पंखे चल रहे हैं और आपका पंखा चल नहीं रहा, उसी डोरी से आपने ले रखा है कनेक्शन, तो आपका पंखा डिफेक्टिव है या आपका कनेक्शन लूज है, वो कनेक्शन कटा हुआ है इसलिए पावर नहीं पहुंच रही। दो कारण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि आपका नामखंड हो गया तो पावन कनेक्शन कट गया ऑटोमेटिकली, जिस दिन आपने नियम भंग कर दिया, तो परमात्मा की पावर आपके घर जाकर काम नहीं करेगी। और जो कनेक्शन ठीक रखेंगे, नियम भंग नहीं करेंगे, आप चंद दिनों में दिखा दूंगा, नो इतने सुख देगा आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। दूसरों को बताते बताते हमारे ये सुख कर दिया, हमारे ये सुख कर दिया, हम इतने दुखी थे। जो भक्त 25-25 वर्ष अन्य संतों और पंथों में जाकर के अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं, या 25 महीने में उसको उससे असंख्य गुणे लाभ आपको मिल जाएंगे। और ये कहने का भाव ये है दास का कि केवल यहां इन सुखों को ही उद्देश्य लेकर मत आना। हमारा मूल उद्देश्य है आपके जन्म और मृत्यु के रोग को समाप्त करना, और ये सुख तो आपको फ्री में मिलेंगे, ये तो रूंगे में मिलेंगे फ्री में। जैसे किसान का मूल उद्देश्य गेहूं उपजाने का,
गेहूं बोने का मूल उद्देश्य क्या होता है कि कणक मिल रहा है, मेरे बच्चे भी भूखे ना रहे और मैं भी भूखा ना रहूं। उसका मुख्य उद्देश्य तो अपनी जीवन रक्षा करना होता है। और गेहूं के साथ वो भूसा, वो चारा टूड़ा अपने आप बन जाता है, वो तो बट नेचुरल है। गेहूं के साथ टूड़ा यानी भूसा वो तो अपने आप बनेगा, उसको उसका उद्देश्य ही नहीं रखना चाहिए। यानी इस परमात्मा कबीर जी की सत्य साधना से ये आपको सबसे पहले ये सुख तो मिलने के भक्ति कर ही नहीं सकते आप। आपका टेंशन है, किसी टेंशन है आपको। अब उस टेंशन का कारण क्या है, मान लीजिए आपने कोई गोली बट्टी ले भी ली, नशा हो गया 10 मिनट घंटा 2 घंटा, वह नशा उतरते हैं फिर वह टेंशन, क्योंकि वो कांटा तो ना निकला जिससे वो टेंशन है। तो परमात्मा पहले आपके उस टेंशन की जड़ खत्म करेगा जिसकी कारण आपको टेंशन है। ऐसे बहुत से प्रमाण है प्यारी आत्माओं, जो आपके लिए पहाड़ बनी हुई थी परमात्मा ने पल में ठीक कर दी। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो परमात्मा तुरंत सुख दे देता है, पर देगा धीरे धीरे, नहीं तो आपको एक कब सुख दे दिया फिर बोर्ड काओ को नहीं यहां पर, क्योंकि हमारा आदत पड़ रही है झाड़े लुआण की। आखिर वह झाड़ा लुआया बस, वह वो झाड़ा लानी है अपने प्रसन्न हम अपने घर में, यहां वो काम नहीं होगा। आपको रह रहकर इसलिए बुलाया जाता है कि आपको पुण्य मिलेंगे यहां आने से, आपको कई प्रकार के पुण्य दिला करके आपको धनी बनाना है राम नाम का। आप असंग जन्मों के अब निर्धन हो गए हो, अपने पुण्य पुण्य खा लिए, पाप शेष रह रहे, अब आपको धनवान बनाना है। तो हम यहां आपको ये जो आप संसारिक सुख लेने आते हो, ये हमारी दुकान में हम हमारा उद्देश्य नहीं है ये सामान रखने का। हमारा मूल उद्देश्य तो है आपको जन्म मृत्यु के रोग से समाप्त करके काल के जाल से निकालकर सतलोक पहुंचाने का। अब कई दुकानदार क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो हमारी तो ये इस चीज की दुकान है बर्तनों की, ये छोटा मोटा दूसरा आइटम ये झाड़ू जोड़ू तो हम इसलिए रख लेते हैं, एक आधा ग्राहक मांग ले है, ये हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। तो पुण्यात्माओं जो वस्तु आप यहां मांगने आते हो सुख, ये हम रख लेते हैं, रखा हुआ है, ये भी देते हैं, लेकिन ये हमारा मूल सौदा नहीं है। हमारा मूल सौदा तो आपको जन्म और मृत्यु के रोग से काटने वाली दवाई देने का, वो सामान देते हैं। अब परमात्मा की महिमा से अपरिचित हो रहे हो, अब परमेश्वर कबीर जी की महिमा संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताई है। पुण्यात्माओं आप परमात्मा के चरणों में आए हो और आपका पूर्व जन्म का ना जाने कौन सा शुभ संस्कार उदय हुआ है, आपके ऊपर कोई आपत्ति आई है, उस आपत्ति के कारण आप इस परमात्मा के चरणों में आए हो, आपके लिए आपका वो कष्ट वरदान सिद्ध हो गया कि उस कष्ट ने आपको परमात्मा के चरणों में ला डाला, और वो कष्ट तो दूर होगा ही होगा और जन्म मृत्यु का रोग और साथ में काटा जाएगा। पुण्यात्माओं ये दास परमात्मा के प्रति बहुत श्रद्धालु था, लेकिन जो भी कोई कथा सुना देता था उसी पर डगमग हो जा करते, शायद ऐसा भी होगा। अब जैसा कि आप कल के सत्संग में सुना था, और कबीर परमेश्वर ने और गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी बंदे सभी काल की डोरी, सभी ज्योति निरंजन इस निरंजन की डोर के बंधे हुए हैं। और अभी गरीबदास जी ने अपनी वाणी में बताया कि पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी,
इत्या को तो रह ना पाया ये जमकर बंधे प्राणी। कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में बताया है कि पीर पैगंबर ये कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी इत्या को तो रह ना पाया ये काल के बंधे प्राणी जमकर बंधे प्राणी। पुण्यात्मा जो प्रथम बार सत्संग में यहां आया होगा और उसको हम ये बताएं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, ये अज्ञानी थे, और ये ऋषि महर्षि वशिष्ठ जी नारद जी विश्वामित्र जी व्यास जी ये भी अज्ञानी थे, तो आपके गले या बात उतरे को नहीं उस नए व्यक्ति के। लेकिन पुण्यात्माओं हमारे सदग्रंथों में यही लिखा है जो कबीर परमेश्वर ने अपनी अमृतवाणी में बताया। इसके लिए आपको थोड़ा सा वो झलक दिखानी पड़ेगी जिससे आपके हृदय में ये सत्य उतर सके, आप ग्रहण कर सको कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तत्व ज्ञान से भगवान के ज्ञान से अपरिचित थे और वो ऋषि महर्षि भी भगवान के ज्ञान से अपरिचित थे। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत अर्थात देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, श्रीमद् देवी भागवत ये संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 28 पे देखिएगा, ये प्रथम सकंद पहला सकंद प्रश्न 28 पे नारद जी ने कहा महाभाग व्यास जी तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था, यानी विष्णु जी से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, देव कौष्टमणी उनकी शोभा बढ़ाती है, ये सारा कुछ बताया। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी, यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभो आप देवताओं के अध्यक्ष जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे। इसी के नीचे देखना, ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं, देवता दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है मुझे और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, इस उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से सहार कार्य होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्यों को सदा सफल होते आए। अब यहां देखो विशेष जो ये दास दिखाना चाहता है,
विष्णु जी कह रहा है कि मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे देवता नहीं है। ओ कर दिया कमाल। अब भगवान विष्णु जी बोले कि ब्रह्मा जी मेरे सोच में मेरी जानकारी में दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं है और मैं तो इसी की पूजा करता हूं। और दुर्गा क्या बताती है देखना, ये देखना 562 पृष्ठ पे इसी देवी पुराण के ये सातवां स्कंद अध्याय 36 पृष्ठ नंबर 562 पे देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे, यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहत की भक्ति के साथ करना चाहिए। अब देखो यहां तो दुर्गा अपने लिए कह रही है कि मुझ ब्रह्म स्वरूपा का ध्यान धर, आगे क्या कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा यह तुम जानो। आगे देखो अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य, उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो। यानी किसी ब्रह्म के बारे में दुर्गा अपने से अन्य भगवान के विषय बता रही है कि उसकी पूजा करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य मानकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है यानी ओम नाम के जापते जीवात्मा स्मरण करे ब्रह्म का ध्यान लगावे, इसका ये अर्थ है। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है, यानी ब्रह्म की पूजा करे ओम नाम से करे और जीवात्मा करे, इसका ये अर्थ है। 563 पृष्ठ पे वह यह सब का आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। पुनात्मा ब्रह्मा विष्णु जी को तो सर्वेश्वर महेश्वर बड़ा सुप्रीम मान रहा है, तो ब्रह्मा जी के ज्ञान का तो सत्र वहीं पता लग गया। और विष्णु जी कह रहा है कि मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता या ये मैं इससे की पूजा करता हूं। दुर्गा कहती है कि उस ब्रह्म की पूजा करो जो ब्रह्म लोक में रहता है। पुनात्मा गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक की साधना करने वाले भी जन्म मृत्यु के अंदर है। देखिए पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 16। हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, पुनरावर्ती है। हमने सिर्फ इतना ही लेना है जो उद्देश्य हमारा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी और वहां का जो मुखिया है वो भी पुनरावर्ती माने जन्म और मृत्यु के अंदर है, वो स्थाई नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 में विशेष विवरण दिया है अन्य परमात्मा के विषय में। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में, 8 अध्याय 8 के ही श्लोक नंबर 8-10 और 20-21-22 में किसी और पूर्ण परमात्मा की महिमा गाई गई है, जहां जाने के बाद फिर प्राणी जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है वो परमात्मा कोई और है, उसी के विषय में ये दास बताएगा। ना ब्रह्मा बता सकता, ना विष्णु बता सकता, ना शिव बता सकता,
और न दुर्गा बता सकती, ना कोई ऋषि महर्षि बता सकता, केवल कबीर परमेश्वर ही बता सकते हैं और उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिखा हुआ है, या वो संत बता सकते हैं, उनकी वाणी बता सकते हैं, जिन दो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, जैसे आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय नानक साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मलुकदास साहेब जी, आदरणीय दादू साहेब जी, आदरणीय ईसासन साहेब जी। ये 6-7 महापुरुषों के बारे में तो दास परिचित है, जिनको परमात्मा मिले, उनको उन्होंने वही ज्ञान दिया जो अपने पवित्र सदग्रंथों में है, और उनसे आगे का दिया जो सदग्रंथों में वेदों और गीता जी और पुराणों में नहीं है वो भी ज्ञान दिया, और जो वेदों वाला ज्ञान है और गीता और पुराणों वाला ज्ञान वो भी दिया, इससे आगे का भी ज्ञान दिया जो वेदों और पुराणों में नहीं है। अब ये तो फैसला हो गया कि न तो ब्रह्मा जी तत्व ज्ञान से परिचित थे, अज्ञानी थे, ना विष्णु जी परिचित थे, ना शिव जी। अब इन ऋषियों के बारे में मनु जी और ये व्यास जी और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जितने भी ऋषि हुए हैं, ब्राह्मण हुए हैं, ये भी अज्ञानी थे। देखिएगा इसी देवी भागवत के 414 पृष्ठ पे, ये वही देवी भागवत महापुराण 6 स्कंद और पृष्ठ नंबर 414। जन्मजेक ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इसके विषय में व्यास जी ने बताया। व्यास जी बोले, नर्प शार्दूल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अब सुन लिए ऋषियों और मैं ऋषियों और ब्राह्मणों की, जो सतयुग के थे, वेद के पूर्ण विद्वान थे, उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान प्राणायाम और जप में वे सदा अपना सारा समय व्यतीत करते थे। मायाबीज का जप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति यानी दुर्गा मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित होते थे। अपुण्य आत्माओं के सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अरे थरा गजब, अब दुर्गा कहती हो तो ब्रह्म की पूजा करो, और ये कह ब्रह्म दुर्गा फाइनल शक्ति है, यही पूर्ण भगवान है। तो पुण्यात्माओं, अब जिनकी छुरी ऐसी है, जिनका सिद्धांत ऐसा है, तो उनकी साधना की होगी, अंडरस्टूड है, यूजलेस, काल के जाल में फंसने और फंसाने वाली। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी बंधे सभी निरंजन डोरी, ये कबीर परमेश्वर की वाणी में आज से 600 वर्ष पहले लिखा था। और यदि ये प्रमाण आपके समक्ष ना हो तो आप कद्दे भी ना मानो, न्यो कहे तो कबीर पंथी है और अपने कबीर ने सब तो सुप्रीम मान लिया। नहीं, कबीर पंथी तो मैं बाद में बना, पहला तो मैं कृष्ण पंथी था और पहले तो मैं हनुमान पंथी था, बाबा श्याम जी का पंथी था, वह डड़े डोया करता जो ना डोण के थे। अब मैं तो कबीर पंथी जब बना हूं जब कति दूध और पानी छान लिया और पृथ्वी पर कोई और ज्ञान और भगवान नजर नहीं आया, जब दास ने इसी मार्ग पकड़िया और फिर डंडोरा पीटन लग गया, जगह जगह जाकर के पागल की तरह हो गया, जो मिला उसे बताऊं कबीर भगवान है, कबीर भगवान है, कोई सुन कह रहा जी हो नहीं, नो तो पागल हो लिया है। कबीर ने भगवान बताओ तो भगत था, वो तो एक दानक था, जुलाया था, एक कवि था, तेरा गजब हो। अपुण्यात्मा, हम लाल से अपरिचित थे, लाल को कूड़े में डाल रखा था, कौडिया गठड़ी बांधे कंकरण ठाए फनाते, बाकी ये बड़े कीमती है, लाल इतना हो है और करोड़ों अरबों रुपए का होता है, एक कब तेरा। ये तो सतयुग के ऋषियों के बारे में, और वर्तमान के कलयुगी ऋषियों का तो कहना है कि ये तो मेरे
कोरे अज्ञानी थे, आसपास भी बात इनके पास नहीं है ना इन संतों के पास है। तो पुण्यात्माओं, यहां हरियाणा के अंदर वैसे तो काफी महिमा थी इस नकली महर्षि दयानंद की। इसने अपने सत्यार प्रकाश में क्या लिखा है, किसी ने प्रश्न किया है कि जैसे द्रौपदी का तीर बढ़ा दिया भगवान ने, जैसे नरसिम्हा सेठ जब निर्धन हो गया था और उसने एक हुंडी लिख दी थी, हुंडी में जैसे वर्तमान में ये ड्राफ्ट बनाते हैं ना, बैंक में पैसा जमा करा देते हैं और बैंक उस पर एक प्रमाणित सर्टिफिकेट लिख देता है कि इतने रुपए हमने जमा कर लिए हैं इसके, और किसी भी बैंक में जाकर उनको आप कैश करा सकते हो, वो पैसे इतने मिल जाएं। ऐसे ही पहले पुराने समय में हुंडी लिखी जाती थी, एक सेठ को राजा की तरफ से, सरकार की तरफ से प्रमाणित किया जाता था कि इसके पास इतना पैसा है और ये इतने रुपए तक की हुंडी एक वर्ष में दे सकता है, यानी वो ड्राफ्ट बना सकता है। तो उसने, किसी ने प्रश्न किया कि भगवान ने आकर के नरसिंह जी की हुंडी यानी वो ड्राफ्ट कैश कर दिया था, तो वो कहते हैं दयानंद जी के नहीं, ये नहीं हो सकता, भगवान इसे काम थोड़ा ही करें। बता भाई, भगवान द्रौपदी का तीर नहीं बढ़ा सकता, ये भी बकवास है, झूठ है, ये पाखंडियां ने फैला रखा है, ऐसी उनकी अज्ञान सोच थी। भगवान जैसे इस बात का सबसे ज्यादा विरोध इस नकली ऋषि के अनुयायी, इस दयानंद के अनुयायी ही करते हैं, जैसे हमारे भक्त जाकर कहते हैं हमारे ये सुख हो गया, हमारा ये रोग ठीक हो गया, वह कहते हैं भगवान रोग ठीक करा करें, पाखंड फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, एजेंट छोड़ रखे हैं। तो भाई पुण्यात्माओं, अब जिसने किक करके लटका तार बांध रखा तो उसका पंखा कुकर चल रहा, उसकी मोटर कैसे चलेगी, और हमने पावर हाउस से कनेक्शन हो रहा डायरेक्ट कबीर परमेश्वर से, सुप्रीम पावर से, तो हमारे सारे पंखों के खकाट उठ रहे और सब काम हमारे परमात्मा वो पावर ही कर रही है। एक समय इस दास के घर पर रोहतक के अंदर जब ये जूनियर इंजीनियर की मैं नौकरी करता था हरियाणा सरकार में, तो वहां एक छोटा सा मकान बना रखा, उसमें एक दो कमरा एक्स्ट्रा बना रखे थे, उसमें एक आर्य समाज यानी महर्षि दयानंद के विचारों से प्रभावित आर्य समाज जी, तो वो होता है जो सारे बुराइयों से दूर हो, भगवान से परिचित हो और सत्य को स्वीकार करे, असत्य को त्याग दे, वो आर्य समाज जी तो हम हैं, क्योंकि हमारे अनुयायी किसी भी बुराई के निकट नहीं है और परमात्मा की सत साधना कर रही है। लेकिन वो दयानंद जी की महिमा से बहुत प्रभावित था और हमारे उस कॉलोनी के अंदर एक पांचवी कक्षा तक का स्कूल था रोहतक में, और वहां वो अध्यापक था शास्त्री, तो अच्छे विचारों का, बड़ा अच्छी आत्मा का, बोल चाल का, व्यवहार का एक नंबर का आदमी, और मैं उसे काफी प्रभावित था कि बहुत ही अच्छा आदमी है। एक आधी बार चर्चा चलती थी भगवान की, क्योंकि जब तक ये दास नाम नहीं, उपदेशी नहीं हुआ था, वह कृष्णपंथी था, हनुमानपंथी था, तो चर्चा चला करती थी उनसे, हम बात चल पड़ती थी कि ऐसे ऐसे भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने, जैसा हमने ज्ञान था कि द्रौपदी का तीर बढ़ा दिया, नरसिंह जी की उंडी ले ली, ऐसे तो वो शास्त्री जी कहता था नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये तो इन पाखंडियों ने झूठ बोल रखा है दुनिया को भ्रमित करने के लिए, परमात्मा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और ऐसे ये सब कहन की बातें हैं। हाँ, कहते हैं कृष्ण जी राजा था, योद्धा था, और कृष्ण ने जाकर कौरव धमका दिए होंगे, खबरदार जो लड़की का चीर उतारा ये तो मान सके हैं, और चीर बढ़ जा ये कोई बात है, मतलब इस तरह की वो हमें वैसे नॉर्मली शिक्षा देता था।
तो हालांकि हम उसको, क्योंकि हमें पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए उनकी उस थ्योरी को हम रिजेक्ट नहीं कर सकता था। ये दास वो भी मान लेता, चलो ऐसा भी हो गया होगा, लेकिन हृदय में फिर भी जगह भगवान की न्यारी थी कि भगवान कुछ ना कुछ अद्भुत ही करता है। और जब भगवान मारे जैसा अपंग हो, ये भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता, फिर भगवान ने बताओ हम इसे स्वार्थी आदमी के करेंगे उस परमात्मा का जो कुछ भी ना कर सकता, तो नास्तिक हुआंगे। फिर ऐसी दया हुई परमात्मा की, 5-6 महीने के बाद मुझे ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, प्राप्ति होगी। तो फिर तन मन धन से समर्पण हुआ, तो एक ऐसी लीला करी परमात्मा ने मुझ दास के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपनी समर्थता का परिचय दिया कबीर परमेश्वर ने। इस दास ने एक नीचे बैठक थी, यानी एक कमरा था, उसको साइड में गैलरी थी, उस गैलरी के ऊपर एक 15x15 फुट लंबा और 5.5 फुट चौड़ा एक पूजा स्थल बना दिया ऊपर न्यारा। उसके आमने सामने, सामने तो गली थी, पीछे आंगन था, आमने सामने झांकी थी, एक विंडो लाई थी खिड़की, और उस छत के ऊपर उसका गेट लगा हुआ था। तो उसमें उसके आगे पीछे की जो विंडो थी, खिड़की थी, उनके लिए ये लोहे की जाली जो मच्छरों से बचाव के लिए लगाई जाती है, ये लाया मैं बाजार से मोल। वो लिख ले गया मैं ऐसे, एक तो थी 2 फुट 8 इंच ऐसे लंबाई में, दोनों एक जैसा साइज था, और ऊंचाई थी वो 3 फुट 3.25 फुट, पूरी 3 फुट 3 फुट तो ऊंचाई थी और 2 फुट 8 इंच वो चौड़ाई थी। तो मैं ऐसे लिख लेगा 2 फुट 8 इंच अपने जैसे इस इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, और मैंने वहां जाकर के उस दुकानदार को दे दी, भाई ये जाली काट दे, मैं और सामान लेकर आता हूं। तो मैं और सामान लेकर, स्कूटर था मेरे पास, ये 2-व्हीलर जो वेस्पा टाइप सा, तो मैं और सामान लेकर के जब आया तो उसने नौकर को कह दिले मेरे सामने के ये जाली काट दे, तो उन्होंने वो जाली काट के पैक करके बांध कर धर रखी, उसको दे के पैसे मैं लेकर जाली धर के स्कूटर पर अपने घर आ गया। वहां मेरे वाला बड़ा लड़का था और एक किराएदार रहता था वहीं पर, बिहार साइड का, अनिल नाम था उसका। वो लड़का काफी कॉमन सा था, सहयोग कर देता था, और वो दो पर पूजा स्थल वो बने को भी कई दिन हो गए थे। तो मैंने उन दोनों बच्चों से कहा कि भाई तुम नो करो, ये आगे पीछे इसके दोनों खिड़कियां को ऊपर जाली ठोक दो, वो कील ला रखी थी। वो कहने लगे अच्छा जी। लड़का जो 12-13 वर्ष का था मेरा बड़े वाला, और वो लड़का दूसरा जो नौकर वो किराएदार था वो 20-22 वर्ष का था। तो उन्होंने दोनों ने वो लगानी चाही तो छोटी थी, चौड़ाई में वो 8 इंच छोटी थी, लंबाई पूरी थी। अब परमात्मा जाने मेरे लिखण में फर्क रहा या उस नौकर उस सेठ के उस नौकर के काटण में गलती होगी, वो दोनों जाली 8 इंच चौड़ाई में छोटी थी। उस लड़के ने आकर बताया कि पापा ये तो छोटी है, पूरी को ना, मावी ऐसे कैसे हो सकता। मैं खुद गया फिर वहां ऊपर, उनको खूब अपने टेक्निकल माइंड को लड़ाने की चेष्टा की, नो करके देखा, वो तो 8 इंच को 2-1-2 इंच तो था, 8 इंच कति न्यारी छोटी दिखे। फिर मैंने सोचा भाई इन पैक करके रख दो, कोई बात ना। वह बात आई गई हुई, उसकी मां ने उठा करके वो एक स्टोर था रसोई का ऊपर उसमें फेंक दी। अब एक 5-4 महीनों के बाद क्या किया, मैंने एक बुक छपाई है अपने गुरुदेव को देने के लिए। तब तक मेरे को नाम देने का आदेश नहीं था, ये भक्ति बोध जो बुक हम आपको देते हैं इस तरह की एक किताब छपवाई 2000। और वो पूजा स्थल वाले कमरे में एक तकत डालकर स्वच्छ उसके ऊपर लाकर रख दी।
मेरे गुरुदेव ज्यादातर पंजाब में रहते थे, तलवंडी भाई फिरोजपुर जिला में, और मोगा में भी उनका आश्रम है। यहां छुड़ानी का एक मेला होता था, भादवे में एक होता था, मार्च में, इन दोनों पर आते थे फागुन में। तो इस दास ने वो वहां रख दिया कि गुरुजी आओगे जब उनको दे दूंगा। वो फिर आगे दे दिया करते, जो नाम लेता था उसको फ्री दिया करते थे। उस उद्देश्य से मैंने वहां लाकर रख दी तख्त पर। दूसरे तीसरे दिन दास ड्यूटी पर जाता था, एक आधी बार बाहर भी रहना पड़ जाता था। तो वापस आया तो चूहा ने वो कुछ काट रखी, एक दो वो काटनी शुरू कर रखी। वो कारण क्या था कि एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था, वो शीशे वाले उसके क्वाड चढ़वा रखे थे, रोशनी बनी रहे, कोई अपना जाप जूप करें पाठ करें तो उसमें रोशनी अच्छी रही इस तरह से। तो फूटे हुए शीशे में कर वो चूहे बढ़कर उनमें काटे थे। फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि वो जो जाड़ी छोटी थी इन दोनों को ओवरलैप करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के, और क्यों ना इसे एक झांकी न कोर कर दे, इससे का शीशा टूट जाए। उसमें कुछ ऐसी दया थी परमात्मा की कि ज्यादा ड्यूटी पर जाना पड़ता था और वहां संडे वाला दिन वह मिस्त्री पावना एक शीशा चढ़वा दे। तो इस दृष्टिकोण से मैंने उन बच्चों से कहा, अपने लड़के से, कि वो जो जाली थी अपने पास वो यहां दोनों तुम इसके ऊपर ओवरलैप करके एक दूसरे बच्चे डालकर इसने फिट कर दो। मैं उनको कह करके अपनी ड्यूटी पर चला गया सवेरे। तो उन्होंने, जब मैं शाम को आया, एक जाली दो थी वो, एक जाली तो वहीं नीचे जमीन पर पड़ी और एक जाली उस झांकी पर, उस खिड़की पर ला रखी, और वो कंप्लीट पूरी झांकी पर लगी हुई, खिड़की पर लगी हुई, और लगने के बाद भी 6 इंच एक्स्ट्रा, जिधर वो छोटी साइज थी ना चौड़ाई में, 8 इंच पूरी होकर 6 इंच और एक्स्ट्रा 9 मुड़ी हुई और ऐसे लटक रही। अब मैंने उसकी माँ, बच्चा तो वहां था नहीं, वो लड़का बड़े वाला खेलने चला गया, बच्चा लगा लगू का वो दोनों जने इसको। मैंने उसकी माँ से पूछा कि ये जाड़ी वही है या ये बदलवा जाए बच्चे। उसकी माँ कहने लगी कि ये वही जाड़ी है, मैंने सटोर से उतार कर इनको दी, और मैं 10 बजे की कहूं थी भाई इसने तू लगा दे, तेरे पापा नाराज होंगे, तुम लगा दो इसने। यू कते नहीं सुने थारी बाप के आनते 5 मिनट पहले ना लगा के गए हैं। अब मैं भी, क्योंकि बेसिक भक्ति करें थे, हमने भी ज्ञान नहीं था, मेरे भी 100 एक वो इंजीनियरिंग प्वाइंट पढ़े लिखे भी हम, या शिक्षा हमारे लिए आनी भी कर रही थी, लेकिन इसका लाभ भी गुना हो गया। तो एकदम दिमाग स्ट्राइक कर गया, ये कैसे हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, जाड़ी बढ़ जाकर दे। मन में वो पुराना वड़ंगा ज्ञान फिर अंगड़ाई लेने लग गया। मैंने उसकी मां से बोला कि तू सच्ची बता, ये वो जाड़ी है क्या? अब वो इतनी सीरियसली बात नहीं ले रही, मेरा कर्जा पाटन हो रहा, वानों का वही है, और ये मैंने ऊपर से स्टोर में तार के गेरी है, ज्यादा उसमें वो मत बढ़ा करो तुम। मैं बोला कमाल कर दिया भाई। मैं बोला लड़का कहाँ है? वो लड़का बुलाया, बाहर बच्चों में खेल रहा था, उससे पूछा। मैंने उससे कहा अपने पुत्र से, बेटा मेरे सिर पर हाथ रख, क्योंकि बच्चे भी भक्ति में रंग चुके थे, भगवान कबीर साहब की कसम खा कर कह के तू झूठ नहीं बोलेगा। वो सहम गया भाई, हाँ की गलती होगी मेरे पे। अके बात पापा में भाई ऐसी ऐसी जाड़ी जो है तुम बदलवा के लाए हो? वो कहने लगा नहीं, ये मेरी माँ ने स्टोर में तारी थी, वो भी आ गया, इतना किरायेदार मारिया वार्ता सी सुनकर वहीं कमरे में रहा था। तो उसने कहा अंकल अभी हमने दोनों ने ये ऊपर लगाई है, और ये आंटी ने ऊपर स्टोर से निकाली थी। मैंने उनको बात याद दिवाई, भाई एक बात सुनो, जब पहले तुम लगा रहे थे ये छोटी थी, अब उन बच्चों के जब जानमा युवा बात रहे सचमुच ये तो छोटी थी, कितनी छोटी थी, ये तो कम से कम एक बिलांत उन आड़ी बिलांत और 8 इंच 8 इंच छोटी थी, और अब 8 इंच पूरी होकर 6 इंच और फालतू है।
अब वो दोनों सहम गए इस बात को कि हाँ सचमुच ये तो छोटी थी पहले, तो अब ये पूरी होगी। अब मारी जब ये वार्ता हो रही थी, इनकी माँ भी खड़ी होगी, अब ये बढ़गी न्यू के ऊपर बढ़गी, मां मन भी रहा है मुझे मालूम है कैसे बढ़गी। तो पुण्यात्मा वो दिन था कि परमात्मा ने सारी अग्रम मगरम खत्म कर दी, मन पापी की सारी पर काट दी कि भगवान ये नहीं कर सकता, भगवान ये नहीं कर सकता। अरे जब लोग की जाड़ी बढ़ा सके, द्रौपदी की साड़ी में के बिजली पड़ा, भगवान एक मिनट में करा के कर दे। बोलो सतगुरु दी। अपनात्मा उस दिन के बाद परमात्मा में जो श्रद्धा इस दास की बनी, ये यत मैं जानू पुणात्मा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे मन में एक और उमंग उठी कि ये महर्षि दानंद के विचारों से भ्रमित व्यक्ति कितनी अच्छी आत्मा का आदमी है, और क्यों ना इसको ये चमत्कार बताऊं भगवान का। मुझे ये पूर्ण आशा थी कि घनी अच्छी आत्मा का आदमी है, यो बात न मानेगा, क्योंकि उस समय तक उसने किसी भी बात पर विरोध नहीं किया था। अब मैंने उस शास्त्री जी को बुलाया, बच्चे से कह करके उसको शास्त्री जी के ऊपर बुलाइयो, वो लड़का लिया बुला के। अब फिर मैंने उससे चर्चा की बैठा करके कि आप मानते हो कि द्रौपदी का तीर भगवान ने बढ़ा दिया था। वो कहने लगा कि आप इंजीनियर हो के ऐसी बड़का वाली बात कर रहे हो, ये कभी हो सकता है? कपड़ा कभी बढ़ सकता है? जो मील ने बना दिया उतना ही रहेगा। मैं बोला जी एक बात आपको बताऊं, सच्ची बात, वह मेरी पत्नी भी आ गई, वो लड़का भी, वो किराएदार भी मैंने पहले बुला रखा था, मैं इसका चुकरे पेटा भर दिया, यू अपना जीवन बदल ले। तो मैंने उसको कहा कि देखो जी, ये जाड़ी थी ऐसे ऐसे, और ये 8 इंच छोटी थी, ये बच्चे गवारे, और अब ये 8 इंच तो वह पूरी होगी, 6 इंच और फालतू है, ये देखो। यार बोला क्या बात करते हो, यानी एकदम लाल आंख कर ली। कहने लगे आप तो कति बच्चों वाली बात करते, पाखंडियों वाली बातें हैं, मैं नहीं मान सकता, मेरे सामने बढ़ाकर दिखाओ। वो तेरा गजब हो यो। अब मैंने सोची भाई, मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि इतना लाल हो जाएगा, जो कभी उसमें ऐसा विरोध और इतना गुस्सा मन देखा नहीं था। अगर मुझे पता होता इतना खरपतवारी है, मैं जिक्र ना करूं उसका आगे, तो मैं चुप हो गया, चुप हो गया। उसने सोचा भी यो मकान मालिक नाराज हो गया तेरे, फिर उसने बात घुमा घुमू के फिर कहने लगा कि आप तो शिक्षित हो, इंजीनियर हो हैं, और आप तो पढ़े लिखे हो, ये तो अनपढ़ों को बकाया करते थे पहले जमाने में। मैं आपको बताता हूं महर्षि कैसे होते हैं। एक बार स्वामी दयानंद जी आसन पदम पर बैठकर समाधिस्थ होकर के अपने शरीर को योग के कारण ऊपर उठा देते थे जमीन से, और छत के सिर लगा के वापस आ जाते थे। एक दिन रसोईया उस खाना खाने के लिए पूछने के लिए गया, तो उसने झांकी से देखा तो महर्षि जी जमीन से उठकर छत से सिर लगाकर वापस आ रहे थे, फिर जा रहे थे। और उसने कई व्यक्तियों को बुलाकर दिखाया। मैं कहने लगा शास्त्री जी कति झूठ, 100 की 100 झूठ, मैं नहीं मानता, और अब करके दिखा मेरे सामने। अब फिट्टे मुंह हो गया, आसन ला गया ने बोला तो इन कबीर पंथिया ने घना शाना बना दिया, पहले वाला रामपाल ना रह रहा। मगर अब मैं तो पहले 21 हो गया, पर तुम्हारी बुद्धि ने कौन बदला, झोटे कैसे दिमाग थरा। अब मैं कह रहा हूं, बच्चों की गवाही दे रहा हूं, क्या मन तेरे से के टिंडे लेने, या मैं कोई दुकान खोल रहा हूं तुम्हें बका करके, और ये कोई जंतर मंतर करके तेरे तो पैसे लेता हूं, इतनी बुद्धि भी ना काम करती। मानना नहीं, उठकर चला गया। व्यक्ति से कर्महीन इंसान है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ये विश्वास हमारे मन में न्यू रहेगी, भगवान ये नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, तो भगवान ने को जा आपका विश्वास से नहीं मालिक का, फिर भक्ति के कर रहे हो। एक समय एक गांव में एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, साधक था, 40 वर्ष से भक्ति करता था, दाढ़ी बढ़ रही, बूढ़े बूढ़े केस, यानी पूरा
मैं ऋषि दिखाई देता। और एक भगत अभी 4 वर्ष से ही साधना पर लगा था। एक देवदूत आता था, वो आकर के दोनों को प्रतिदिन मिलता था और भगवान की चर्चा किया करता था, बड़ा आनंद आता था। एक दिन देवदूत ने भगवान से जाकर कहा, परमात्मा आपके उस गांव में 2 भगत आपके ऊपर कुर्बान है। भगवान ने कहा, भाई उनमें से एक कुर्बान है, एक तो नकली है। तो देवदूत ने कहा कि भगवान, हां वो जो 4 वर्ष से अभी भक्ति पर लगा वो नकली होगा। भगवान बोला, ना वो जो 40 वर्ष से लाग रहा वो नकली है। अब वो 40 वर्ष वाले की इतनी बड़ी दाढ़ी, नो ऊपर पूरी जटा और नो बैठा रहा घने घने घंटों तक साधना करता। तो देवदूत भगवान के मुंह की तरफ देखता रहा कि भगवान के कह रहा है। वो कहने लगा, जी वो जो दाढ़ी दूढ़ी बढ़ रही है और सर पर जटा है वो बढ़िया भगत होगा ना? परमात्मा बोले, ना वो तो नकली है भाई।